नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। कांटल क्षेत्र के 18 ग्राम पंचायतों के नागरिकों ने मिलकर सरोदा को तहसील बनाने की मांग को लेकर सौंपा जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश कोडनिया को ज्ञापन। सागवाड़ा। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत कांठल क्षेत्र के नागरिकों ने उप सरपंच, सरपंच एवं प्रधान, उपप्रधान सहित जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में 18 ग्राम पंचायतों के लोगों ने सरोदा को तहसील बनाने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश खोडनिया को ज्ञापन सौंपकर बताया कि सरोदा परिक्षेत्र काफी बड़ा है और इस बजट सत्र में सरोदा को तहसील बनाने की मांग को लेकर राजस्थान सरकार से मांग करते हैं सरोदा को तहसील घोषित किया जाए। जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश खोडनिया ने आश्वस्त करते हुए कहा कि यह मांग उनकी राजस्थान सरकार तक पहुंचाई जाएगी और इस विषय पर पैरवी की जाएगी। इस दौरान क्या कहा जनप्रतिनिधियों ने सुनिए। सागवाड़ा लाइव न्यूज ब्यूरो से कैमरामैन राजकुमार डामोर के साथ मैं जितेंद्र सिंह चौहान। लगभग 18 पंचायतों के 42 राजस्व गांवों की जनता यहाँ पर उपस्थित हुई थी। हमारा जो क्षेत्र है वह सरोदा और काठल के बीच पूरे एक पट्टी है जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है और साथ ही यहाँ पर जनसंख्या भी अधिक निवास करती है और यह राजस्थान के स्टेट हाईवे 91 पर स्थित है। बहुत सारी अन्य सरकारी सुविधाओं के साथ बड़े बड़े कार्यालय वहाँ पर स्थापित है, वहाँ पर पुलिस थाना भी है और ऐसे में सरोदा को एक तहसील या उप तहसील मिल जाती है तो सरोदा के क्षेत्र को लगभग पाटिया तातोला में रहने वाले 32 किलोमीटर का सफ़र करके सागवाड़ा ना आए। इसी कारण से हम लोग सब यहाँ पर एक निवेदन करने आए थे कि बजट में सरोदा को तहसील या उप तहसील के रूप में जोड़ा जाए जिससे इस क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल सके और आने वाला भविष्य हमारा सुरक्षित हो सके। धन्यवाद। धन्यवाद आपके चैनल को जो यहाँ पर सम्मान्य हमारे पूर्व राज्य मंत्री और निवर्तमान जिलाध्यक्ष जी के यहाँ पर जो हमारे जन सैलाब जो उमड़ी यहाँ पर आई हजारों की तादाद में, वो मात्र किसी का विरोध नहीं हमारी मांग लेकर यहाँ पर पहुँची थी सरोदा को तहसील और पंचायत समिति का दर्जा दिया जाए, क्योंकि सरोदा का भौगोलिक क्षेत्र अलग है। पाटिया तातोला खरगुपाल से चिबुड़ा और काटल क्षेत्र हमारे क्षेत्र में आता है जो कि पाड़ेवा घोषित की है। वो हमको भी बहुत बहुत सरकार को भी हम धन्यवाद देते हैं कि पाड़ेवा का भौगोलिक क्षेत्र अलग है जो कि बैंड मांडव से गिना जाता है। हमारा काटल क्षेत्र है जो कि नवनिया माकड़िया और सेंटर सरोदा 8 किलोमीटर की रेंज में है। 18 पंचायत हमारी बनी हुई हैं और नेक्स्ट पुनर्गठन होता है तो 8-10 पंचायत फिर हमारी पैनल में बनी हुई है और हम यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और हमारे यहाँ के वागड़ के नेता जो कि जो उदयपुर संभाग में बड़े माने जाते हैं उनके निवास पर और उनके ऑफिस में आज सभी हमारे वहाँ से आए 2 से 3 हज़ार पब्लिक अपना चेहरा खुल के हंसी करके यहाँ पर वापस रवाना हुई है। उन्होंने हमको आश्वस्त कर दिया है कि बजट सत्र अभी प्रगति पर है और 11 तारीख को आपकी जो मांगे हैं वो बिल्कुल हम आगे मुख्यमंत्री जी को पैरवी करके आपको बिल्कुल जो आपकी मांग है वो दी जाएगी। और 11 तारीख को हमारी यह जनता से भी अपील करते हैं कि अपन पटाखे अवश्य छोड़ेंगे। पुनः से आपको चैनल को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं पन्नालाल डोडियार सरपंच सरोदा और जिला सर्वरक्षक सरपंच संघ का डूंगरपुर। आज सरोदा परिक्षेत्र के 18 ग्राम पंचायत के सभी सरपंच, उप सरपंच, जनप्रतिनिधि, पूर्व प्रधान और सभी पार्टियों के जन समूह आज निवर्धमान जिलाध्यक्ष दिनेश जी खोडनिया पूर्व राज्य मंत्री को मिलने और ज्ञापन सौंपने आए थे कि सरोदा परिक्षेत्र में आने वाली 18 पंचायतों के सभी लोग लगभग 2.5 से 3 हज़ार अपने अपने व्हीकल और अपने अपने खर्चे से सब सागवाड़ा सुरभि कॉम्प्लेक्स में भाई साहब दिनेश जी खोडनिया को ज्ञापन दिया कि हमारा क्षेत्र एकदम अलग है भौगोलिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से। और सरोदा जो 6,500 आबादी वाला गांव है वहाँ अशोक जी गहलोत ने पुलिस थाना सौगात दी, महात्मा गांधी विद्यालय खोला, PWD का JN ऑफिस है, ए ग्रेड पशु चिकित्सालय है और
हमारा गांव तहसील के बिल्कुल लायक है, सभी नॉर्म्स उसमें पूरे हो रहे हैं, यही हम भाई साहब को अवगत करवाने के लिए हजारों की संख्या में आज मुलाकात की, क्योंकि हमारी पैरवी आपको राज्य सरकार को करनी है, क्योंकि सरोदा एक ऐसा क्षेत्र है, आने वाली सभी पंचायतें 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में है, और जो अशोक जी गहलोत ने उप तहसील पाड़वा को, हमारे कोई इसमें विरोध नहीं है, क्योंकि पाड़वा में भी हमारे ही कार्यकर्ता रहते हैं, और हमारे कार्यकर्ता रहते हैं, और उनको जो सौगात मिले, क्योंकि उनका भौगोलिक दृष्टि बिल्कुल अलग है, वहाँ से जाने के लिए हमारे ना कोई सड़क का मार्ग है, नहीं कहीं बसें चलती है, उनके भले उप तहसील रहे, लेकिन हमारे भी हरोदा को हक मिलना चाहिए, इसी आशा और विश्वास के साथ हम भाई साहब को मुलाकात की और उन्होंने पूरा आश्वस्त किया, हमें उन पर भरोसा है। जय हिंद, जय भारत। मैं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस वागड़ क्षेत्र को बहुत सारा बजट दिया है, और यहाँ के लोगों की आवश्यकता अनुसार उन्होंने विभिन्न पंचायतों में भी बहुत सारे काम दिए हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग एकत्रित हुए हैं, इसका कारण रीज़न यह है कि यहाँ सरोदा को उप तहसील घोषित की है और सरोदा को उप तहसील घोषित नहीं किए हैं, जिसके कारण सरोदा के आसपास के ग्रामीण यहाँ पे पहुँचे हैं। उनका कहना है कि सरोदा सेंटर पड़ता है, जो काठल क्षेत्र वमासा और वरसिंहपुर के लोग जो यहाँ सरोदा सेंटर पहुँचा है, वहाँ थाना भी है, तो वहाँ भी उप तहसील घोषित की जाए। पाड़वा को भी उप तहसील घोषित की है, उसके लिए उनके कोई आपत्ति नहीं है। अगर पाड़वा को भी उप तहसील की है तो सरोदा को भी उप तहसील बनाया जाए। धन्यवाद। पूर्व उप सरपंच सरोदा, विशेष मेरे पूर्व वक्ताओं ने कई बातें की हैं, मैं तो शॉर्ट शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि सरोदा, जिसको हमारा पूर्व के जो पुराने जो हमारे हैं लोग, उसको सरोदा को काशी पीठ मानते थे, ये काशी पीठ का क्षेत्र है, बणेश्वर धाम के करीब 8-10 किलोमीटर की दूरी पर, और आसपास का पूरा क्षेत्र सम्माननीय हमारे अध्यक्ष जी के ध्यान में है, इसलिए अन्य इधर उधर की कोई बात न करते हुए जो आश्वासन हमको आदरणीय दिनेश जी भाई साहब ने दिया है, उस पर हम पूरा ध्यान करते हैं, और निश्चित रूप से हमको सफलता मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद। किशोर उपाध्याय, पूर्व उप सरपंच सरोदा। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।